बच्चा ये चाहता है कि भाई मुझे कहीं भी ऐसा अपमानित नहीं होना पड़े। ज्यादा पैसे देने से अच्छी शिक्षा के पक्ष में हम नहीं है, क्योंकि शिक्षा तो एक ऐसा प्रयास है जो बच्चे के साथ में कम पैसे से भी किया जा सकता है, और गुणवत्ता के आधार पर जो शिक्षा होगी वही सराहनीय शिक्षा होगी। पैसे से पैसे वाले ही शिक्षा पा सकते हैं, ना कि गरीब बच्चे उस चीज से जुड़े। जो शिक्षा का एक स्तर है वो खास बढ़ेगा नहीं, क्योंकि बच्चे में जब ऐसी भावना होती है कि हमको फेल तो किया ही नहीं जा रहा है तो वो पढ़ाई क्यों करेगा। लेकिन एक साइकोलॉजिकल प्रभाव उस पर ज़रूर पड़ता है कि बालक फेल की जो एक भावना होती है उससे उसका जो मनोबल है वो गिरेगा। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि मनोबल ना गिर के बच्चा आगे एजुकेशन में बढ़ता रहे, जो कि उसकी समझदारी जब भी हो तो उससे अच्छा प्रयास करे। बच्चे के साथ में ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि नहीं करे तो ही बेहतर है। जैसे पहले के बालकों को जो पनिशमेंट की व्यवस्था थी उसको गार्जियंस भी वहन कर लेता था, बच्चा भी कर लेता था, लेकिन वर्तमान समय में बच्चा अपने को एक अपमानित महसूस करता है जो कि कोई भी कदम उठाने के पक्ष में रहता है। उससे अभिभावक उसका पक्ष ले लेता है तो बालक पर जो प्रभाव है वो फिर उस दृष्टि से कहीं तक बेहतर नहीं है। बच्चा ये चाहता है कि भाई मुझे कहीं भी ऐसा अपमानित नहीं होना पड़े दंड के रूप में या और कोई भी प्रताड़ना की जो भावना हो जिससे कि वो अच्छा महसूस ना करे। बच्चे को आज गार्जियंस उसकी योग्यता से अधिक भावनाएं ऐसी रखता है, मतलब उम्मीदें ज़्यादा गार्जियंस की बढ़ चुकी है, तो वो स्कूल को से डमी करा के कोचिंगों के लिए ज़्यादा महत्व देना एक तरह से उचित नहीं है। जहाँ टीचर की कोई कमी हो, अब हालांकि जो ये व्यवस्था है वो जहाँ तक है उचित नहीं है, क्योंकि बालक के विकास के लिए सभी आयामों का होना बहुत अनिवार्य है। उसमें ये नहीं भाई टीचर पर ही या व्यवस्थापक पर ही या जो भी व्यवस्था है वो सब उसके नकारात्मक रूप में रखी जाए, क्योंकि टीचर के चौमों के विकास के लिए बालक, अभिभावक और संचालक, इन तीनों की सहमति का होना बहुत अनिवार्य है। बिल्कुल प्रयास करना चाहिए और करेंगे, क्योंकि वर्तमान परिवेश में कहीं ना कहीं टीचर्स की भी कमी है। बच्चों के साथ साथ जो गुरु की एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था उस दृष्टि से ना देखने के भी कई कारण हैं जो कि हम सभी इस परिवेश में देखते हैं। तो जो पहले की जो व्यवस्था गुरु के एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था वो गुरुओं की व्यवस्थाएँ भी उस चीज़ पर खरे उतरते थे, लेकिन आज गुरु भी कहीं ना कहीं कई कमियां ऐसी रहती हैं जिनसे कि बच्चों में भी ऐसी भावनाएं होती है। नहीं, जो शिक्षा की व्यवस्था में सुधार के क्षेत्र में जो कार्य करे तो मैं तो ये कि उसमें अच्छा ही है, और एक जो एक दीवार सी एक खड़ी होती जाती है कि अभिभावक और बालक गुरु के सम्मान में कहीं कमी लाएगा तो उससे शिक्षा का ना कहीं भी पॉजिटिव विकास नहीं हो। 31 अगस्त को आने वाली फिल्म अनमोल भैया हम जरूर दिखाएंगे, सभी स्कूल डायरेक्टर को कहना चाहेंगे बच्चों को वो फिल्म अवश्य दिखाएं, जिससे कि गुरु का सम्मान और बच्चों का सम्मान जिसमें निहित हो।